प्याज के पकोड़े या प्याज की भजिया को क्रिस्पी बनाने के लिए क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है वो आपको रेसिपी के बीच में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टी स्पाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने छील लिया। अब हम इनको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको लंबा लंबा कट करेंगे, इसे आप ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा कट मत करना, मीडियम साइज का हमें लंबा लंबा इसको कट कर लेंगे। और फिर हाथ की मदद से हम इसको जो हमारे इसके लच्छे हैं प्याज के उनको अलग अलग कर लेंगे, इससे जो प्याज के लच्छे हैं वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों प्याज को अच्छे से कट कर लिया। अब हम सारे प्याज को अच्छे से स्क्वीज करेंगे, इससे जो हमारा प्याज है वो थोड़ा सा पानी भी रिलीज करेगा और इसके जो लच्छे हैं वो भी अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर आप खूब सारा फ्रेश हरा धनिया डालना। एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पर कट करके डाली, आप दो भी डाल सकते हो। फिर इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। अब यहाँ पर हम सॉल्ट डालेंगे, तो यहाँ पर आप काला नमक भी डाल सकते हो या फिर सीधा नमक या जो नॉर्मल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से स्क्वीज करना है प्याज को। हमने जो इसके अंदर नमक डाला है उससे जो प्याज है वो अपना पानी रिलीज करेगा और उसी पानी की मदद से हम इसके अंदर बेसन मिलाएंगे। हमें एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो प्याज है उसने हल्का हल्का पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि जो हमारे भजियाँ बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा यूज़ किया है। चावल का आटा आप घर पर बना सकते हो, चावल को आप मिक्सी में पीस लो तो आपका चावल का आटा रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन मिलाया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। यहाँ पर मैंने 1 डाला, फिर मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाला। तो मीन्स यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच बेसन इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी जो प्याज है वो अलग अलग ना हो, हम इसके अंदर ज़्यादा बेसन भी नहीं डालेंगे, अदरवाइज हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो वो भी अच्छे से गर्म होगा। तो मैंने 2 चम्मच तेल इसके अंदर मिलाया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब भजिया बनाने के लिए आप इसको ऐसे गोल राउंड कोई परफेक्ट शेप मत देना, बस आप इसको फैला के हाथ की उंगलियों के ऊपर और फिर आप इसको एज इट इज़ डाल देना। इससे जो पकौड़े हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको फटाफट फ्राई करना है। यहाँ पर जो हमारे पकोड़े हैं प्याज के, इसके हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में। अदरवाइज़ अगर आपका तेल ठंडा होगा तो जो हमारे पकोड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे और हमारे जो पकोड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली बनते हैं। स्टार्टिंग में मैंने 1 डाला ताकि हम चेक कर सकें इस पर नमक मिर्च परफेक्ट डाला है या नहीं, और हमारा बेसन हमने कम ज़्यादा तो नहीं डाला। अगर ये क्रिस्पी नहीं होगा तो मीन्स हमने बेसन ज़्यादा डाल दिया। तो यहाँ पर मेरा भजिया बिल्कुल परफेक्ट बना था, बिल्कुल क्रिस्पी और नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो हम अपने सारे भजियों को भी आगे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर जितने भजिया एक बार में डालेंगे उतने हम डालकर इसको दोनों तरफ से अल्टा पल्टी करके फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसको आप डबल भी फ्राई कर सकते हो, आप 80% तक इसको फ्राई करना और फिर निकाल कर रख देना, और फिर जब आप इसको खाओ तो गर्मा गर्म इसे फ्राई कर लेना, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं हमारे पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चाट मसाला और टोमेटो केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।